फिर से ये अवार्ड के लिए ये अवार्ड मेरे कोच और मेरे फैमिली और मेरा फेडरेशन साई और सभी को थैंक्स कहना चाहती हूँ फुल सपोर्ट के लिए। एक्चुअली मैं मई में मेरा कॉम्पिटिशन है तो इसलिए मैं पर्सनली नहीं आ पाई। मेरा ट्रेनिंग थोड़ा सा टफ चल रहा है कॉम्पिटिशन के लिए तो बस। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि एशियन गेम्स आने वाले हैं, मैं इसमें से फिर से मैं पूरा कोशिश पूरा मेहनत रहूँगी इंडिया के लिए एक मेडल लाने के लिए। थैंक यू। मीरा, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, पहले तो कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच। व्हाट शी टोल्ड अस इज दैट शी इज गोना ट्राई वेरी हार्ड टू विन मेडल्स फॉर इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट फॉर अस। मीरा, कैन आई जस्ट आस्क यू, यहाँ पे भी पहले आपने रिकॉर्ड बनाया है, दूसरी बार आप जीती हैं और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को वेट लिफ्टिंग में होना नहीं चाहिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो डरते हैं और अपनी लड़कियों को बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी खराब हो जाएगी, तो उनको आप आज क्या, आपकी इतनी लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स है, आप क्या बोलना चाहेंगी उनको? हाँ, बोलते हैं कोई कोई वेट लिफ्टिंग सिर्फ लड़कों को ट्रेन गेम्स होते हैं, लड़की जाके क्या करेगी, मतलब बॉडी खराब होगी, वो सब बहुत सुना है मैंने भी। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी ऐसे ही रहती हूँ, पहले भी ऐसे ही थी, मैं अभी भी ऐसी हूँ। तो ये सोच मुझे बदलना बहुत जरूरी है कि हम इंडिया के लिए कुछ करना चाहती है। तो अभी काफी चेंज मिला है जब से हम ओलंपिक में कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी लड़कियों काफी प्लेयर्स ने मेडल लेके आए हैं, तब से चेंज बहुत सारी मिली है, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो काफी फैमिली के ऊपर में भी ऐसा डर रहते हैं कि मेरा बेटी गेम्स में जाने की बात क्या होगी वो सब, पर अभी शायद सबका जो डर है और जो सोच है उसको बदलाव देखे है, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो ऐसे ही हम और भी मेहनत करेगी और मुझे आई होप आने वाले हर कंपटीशन में जरूर इंडिया का जो फीमेल्स प्लेयर्स को निकल के और भी इंडिया के लिए मेडल जरूर लेके आए। देखिए, मैं गवर्नमेंट को या मतलब सभी को एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब बेसिक नीड होती है तब सही मायनों में सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। जो ग्रास रूट के प्लेयर्स हैं, जो एथलीट हैं, जो सही में अपने आप में टैलेंट को बाहर निकालना चाहते हैं, जो सही मायनों में देश के लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उन लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट, उनको इक्विपमेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ वहाँ पर चाहिए। एक लेवल आने के बाद तो हर किसी के पास हर कुछ आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो ग्रास रूट के प्लेयर्स हैं, जो एथलीट है, जो देश के लिए कुछ करके दिखाने का जो जज्बा रखते हैं, उनके लिए कुछ किया जाए, उनके लिए कुछ और अच्छा सोचा जाए। यस, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि बस इन चीज़ों पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि एक लेवल के बाद सब चीज़ें आती ही है। जो ऑलरेडी नामचीन जो एथलीट हो गए हैं, उनके लिए मुझे हमेशा रिस्पेक्ट है, उनके लिए हमेशा मुझे प्राउड है, लेकिन ये चीज़ हमेशा मुझे याद रहती है कि जिस टाइम मुझे सही मायनों में ज़रूरत थी, तब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, उन लोगों ने मुझे अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर बैठी नहीं होती। तो प्लीज़ इट्स रिक्वेस्ट कि उन लोगों को सपोर्ट कीजिए कि जो सही मायनों में देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारा तिरंगा जो है वो हमेशा ऊपर लहराना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बीबीसी वालों का धन्यवाद करती हूँ कि भाई इस अवार्ड से जो है महिलाओं को नवाज रहे हैं, धन्यवाद। जब मैं अपने गांव में थी तो मैंने इसमें बताया कि मुझे कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं तो रही हमारे, बेसिकली हरियाणा में आज भी हम जितना भी एडवांस चल जाए, जितना भी सुविधाएं मिले, लेकिन बहुत सारे गांव हमारे ऐसे हैं
जहाँ पे लड़कियाँ खेलना चाहते लेकिन अभी भी नहीं खेल पाती, ये मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आपने देखा होगा अभी जैसे विजेंदर ने जब भी लड़की को अवार्ड के लिए बोला, बोले फादर ने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे भी बहुत मुश्किलें आई होंगी गाँव में जो सुनने को मिलता है। और यही चीज़ सोच के मैंने गाँव में अपने में हॉकी खेलने के बाद ये सोचा कि मैं वहाँ पे एक अकेडमी बनाऊँ, जो प्रॉब्लम मुझे आई है वो लड़कियों को ना आए। तो आप देख सकते हैं सोनीपत में मैंने 200 लड़कियां जो हैं आज ग्राउंड चलाती हूँ, अकेडमी चलाती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी। आज से 20 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि मैं यहाँ से प्लेयर निकालूंगी, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में मुश्किलें देखी है मैं उन लड़कियों को मुश्किलें नहीं आने दूंगी। आज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ। जो मेरा गोल है, जो मेरा टारगेट है, बहुत बड़ा है। मैं सोचती थी ओलंपिक्स में लड़कियाँ जाए और इतने लेवल की लड़कियाँ खड़ी करूँ कि वो इंडिया को मेडल दिला सके, और मेरा टारगेट पूरा हुआ। तो मैंने ये मैसेज दिया कि कम सुविधाओं में भी प्लेयर बन सकता है और हम बना सकते हैं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें काम करना होगा। बहुत सारे हैं जो खिलाड़ी हैं अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और मेडल भी लिए, मैंने भी लिया, लेकिन मेरी एक ही सोच थी कि मेडल लेने के बाद मैं देश को वापस दूं कि वो देश के लिए मेडल ला सके, ऐसे प्लेयर तैयार कर सके। नीतू ने जी 2008 में विजेंद्र सिंह का मेडल आया था जी ओलंपिक में, तभी नीतू ने विजेंद्र सिंह को देख के ही बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई थी जी मैंने, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है जी, विजेंद्र सिंह मेरे को ये दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और आप एक ही गांव से भी है, तो एक ही गांव से है, एक ही स्पोर्ट भी खेलते हैं, नीतू के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी आई थिंक इनके फादर ने जो सेक्रीफाइस किए हैं नीतू ने, वो लोगों को नहीं मालूम, इन्होंने बहुत मेहनत की है उस लड़की के पीछे। लोग इन्हें बहुत सारे नाम से बोलते थे कि ये आदमी पागल है, ये ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए लड़कियों को, लेकिन सिर्फ इनकी मेहनत से मैं कहता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, और जो नीतू आज जो परफॉर्म कर रही है वो स्पेशली इनकी वजह से, बिकॉज बहुत सारे लोग नहीं जानते, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हर बच्चे के पीछे, वो चाहते कि उनका बच्चा एक दिन ओलंपिक चैम्पियन बने, लेकिन जो सेक्रीफाइस कई बार पीछे छूट जाते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ इन्होंने बहुत डिजर्व करते हैं इस चीज़ को।